देश के अंदर जिस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ, आज उत्तराखंड की घटना से उत्तराखंड की घटना नहीं, ये देश की सबसे बड़ी घटना है। क्योंकि उत्तराखंड में, उत्तराखंड के तो करीब वो जो गांव थे वो 700 से ज्यादा गांव उससे प्रभावित, उसके बारे में बहुत से समाचार आए, बहुत से समाचार आने बाकी। लेकिन जो पूरे देश के लोग हैं, जो रोल अदा किया, विपक्ष ने रोल अदा किया, समाज सेवी संगठन ने रोल अदा किया, मीडिया ने अपना रोल अदा किया, कई मीडिया कर्मी अपनी जान को हथेली पर लेकर गए और जाकर उन्होंने अपने मीडिया धर्म का भी निर्वाह किया और देश के नागरिक होने के नाते भी अपने दर्द का इजहार वहां पर जाकर किया। लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर सियासत से बाज नहीं आ रहे और जो बातें वो कहते हैं अपनी बात को अपने बयानों से, अपने करनी से, कथनी अलग है कांग्रेस के नेताओं की, करनी अलग। कहेंगे कि वीआईपी मत जाइए। सुशील कुमार शिंदे जी ने बहस की कि इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, जो मांग की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने मांग की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, लेकिन कोई राष्ट्रीय आपदा, उन्होंने कहा इसको घोषित करने से क्या हो जाएगा, इस पर बहस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सारे सवालों का करारा जवाब देने की हैसियत रखती, लेकिन हम लोगों के जख्मों को सहला रहे हैं, हम उस पर मरहम लगा रहे हैं और कांग्रेस उत्तराखंड के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। जिस तरह की सियासत कांग्रेस कर रही है, देश के लोग उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे।